तो हेलो एवरीवन, बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे कैसे हमारा ड्रेनेज का आईएल निकालना है। आईएल जो नीचे की तरफ नैप होता है, यही हमारा काम साइड पे हुआ है और इसका ड्राइंग का भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा ग्रीस इंटरसेप्टर मेन होल और ये हमारा गिली ट्रैप मेन होल, ये हमारा सम्प पंप का ब्रेकिंग मेन होल और ये हमारा मेन होल वन नंबर। ये सब का पानी इस मेन होल में आएगा और उससे होके ये हमारा FIC मेन होल में आएगा और FIC मेन होल में आके एक्सटर्नल मेन होल जो हमारा गवर्नमेंट का लाइन है उसमें कनेक्शन हो जाएगा। मतलब जितना इसका पानी है सब जाके इसमें कनेक्शन होगा। तो ये हमारा ग्रीस इंटरसेप्टर का लाइन से होके ये पिटरा वाला में आ रहा है जो ग्रीस इंटर। तो आज हम बात करेंगे हमारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो हमारा है उसका आईएल कैसे निकलता है। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर में ड्रेनेज लगता है वो अंडरग्राउंड रहता है, वो स्क्रिप्ट का नीचे रहता है, वो रमल में, नीचे रमल बोलेगा अरब कंट्री में, और हमारा इंडिया समय वो बालू बोलेंगे, रेत, रेत का नीचे, ज़मीन का नीचे। उसका आयल हमको कैसे निकालना है, उसका लेबर कैसे निकालना है, तो आगे हम वन बाय वन करके जानेंगे। ये हमारा बिल्डिंग से लाइन आ रहा है, 1 2 3 लाइन, तीन लाइन हमारा बिल्डिंग से आ रहा है। ये हमारा किचन वेस्ट का आ रहा है और ये हमारा 200 का वेस्ट पाइप आ रहा है। ये किचन का जो हमारा किचन के लिए सेपरेट लाइन दिया रहता है वो है, और ये हमारा वेस्ट पाइप है जो बाथरूम से आएगा वो है, और ये हमारा सोइल पाइप जो हमारा टॉयलेट का पाइप रहेगा वो है। अब ये तीन के लिए किस तरह बनाया है, जो किचन वेस्ट है उसको ग्रीस इंटरसेप्टर, जो हमारा ग्रीस इंटरसेप्टर कहता है, जो किचन का जो भी पानी आएगा उसमें ऑयल मिक्सर रहता है, ऑयल, तो ग्रीस इंटरसेप्टर में जाके क्या होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक लगाता है जैसे कि हल्का गर्म करेगा, वो ऑयल घमा के भी निकाल सकता है। दूसरा इसमें जाली लगा रहता है, इसके अंदर वो जाली रहता है, जाली से छना के जो कचरा रहेगा वहाँ से आप वीकली या महीना में एक दिन में कभी भर जाता है तो उसको आप कचरा निकाल सकते हो, वहाँ पर सफाई कर सकते हो। तो हमारा ग्रीस इंटरसेप्टर उधर लगता है और ये हमारा वेंट पाइप है इसका। तो ग्रीस इंटरसेप्टर जो हमारा किचन में है उसका लाइन लगता है और दूसरा जो हमारा है वेस्ट पाइप जो टॉयलेट का पाइप है वो हमारा यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पी ट्रैप से होके, गिली ट्रैप से होके दूसरा मेन होल में जाता है। टॉयलेट से जो आ रहा है वो सीधा मेन होल में आ रहा है और वहाँ से गिली ट्रैप से होके दूसरा मेन होल। इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे कि अब ये टॉयलेट का पानी यहाँ पे आ रहा है तो ये जो मेन होल का स्मेल है ये इधर पानी में इंटर ना करे, जो मेन होल का स्मेल है वो हमारा बिल्डिंग में ना जाए। वैसे तो वहाँ पर भी लगा रहता है पिट्रैप, लेकिन बहुत जगह लगाता है। तो यहाँ पर हमारा ये देखो इधर दिखाया है गिली ट्रैप, ये गिली ट्रैप है और ये हमारा CL जो है ये हमारा कवर लेवल है, जो हमारा मेन होल का कवर रहेगा उसका लेवल है 4075 और आईएल हमारा 2133 जो हमारा कवर लेवल है उससे नीचे जो आईएल है ज़मीन का लेवल जो हमारा जहाँ पे स्क्रिट हुआ रहेगा मेन होल का वो है 2133। मैं बताएगा आपको इसको कैसे नैप करना है, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा गिली ट्रैप से होके ये हमारा दूसरा मेन होल में आता है और ये हमारा वेस्ट पाइप जो है वेस्ट पाइप डायरेक्ट हमारा इस मेन होल में आता है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा किचन वेस्ट है ये किचन वेस्ट यहाँ गिली ट्रैप के पास जाता है और वेस्ट पाइप दोनों गिली ट्रैप के पास आता है और दोनों यहाँ से ये मेन होल में आता है जो हमारा वेस्ट मेन होल है उसमें, और वेस्ट का भी इसमें कनेक्शन हुआ है। तीन है, जो हमारा नीचे में सम्प पंप रहेगा उसका डिस्चार्ज लाइन है वो यहाँ हमारा जो सम्प पंप रहेगा नीचे में जो पानी जमा रहेगा वो इस मेन होल में आएगा, ब्रेकिंग मेन होल इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक दीवार लगता है और यहाँ से ये फिर इस सब पानी मतलब इस होल में जाएगा और ये मेन होल से होके उसका बाद जाएगा FIC मेन होल,
और उसका बाद यहाँ से हमारा जाएगा एक्सटर्नल मेन हॉल में, जो हमारा गवर्नमेंट का मेन हॉल है उधर जाएगा। इतना हमारा बिल्डिंग का है, उसके बाद गवर्नमेंट में जाके कनेक्ट हो जाएगा और सीधा पानी जाते रहेगा। तो अब इसको लेवल कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। इसका जो लेवल है देखो, CL4085, इसका CL जो है ये हमारा कवर लेवल, कवर लेवल से हमारा IL 2510 है। तो हमारा इसमें से कल ये हमारा कवर लेवल में से IL माइनस कर दो कितना आता है, तो इसका हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं, जो हमारा कवर लेवल है 4085। देखिए 4085 है, अब माइनस कितना है हमारा, माइनस है हमारा 2510। बराबर 1575, 1 मीटर 57 सेंटी, 5 मिली एमएम में बोलेगा तो 1575 सेंटी में बोलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो कवर लेवल है उसका नीचे जो हमारा मेन होल का बेस लेवल रहेगा, नीचे बेस, उसका जो नीचे बेस रहेगा वो हमारा रहेगा 1 मीटर 57 सेंटी, 5 मिली नीचे। अब वहाँ से हमारा पाइप कितना में रखना है, जो हमारा बेस रहेगा वहाँ से पाइप कितना में रखना है, तो यहाँ पे हमारा है कितना 2510 और यहाँ पे है 2517, जो हमारा यहाँ पे एरो भी दिखा रहा है, ये देखो एरो हमारा, जो हमारा पाइप रखना है, पाइप रखना है कितना है ये 2517। इसको माइनस करते हैं, अब इसको माइनस करते हैं कितना है, कहाँ गया 2517। ये बार बार लॉक हो जा रहा है मोबाइल, 1575 के देखते हैं कितना आता है। अभी देखिए हमारा है 4085, 4085 माइनस 2510, इतना आया, इतना नीचे हमारा मेन होल का बेस रहेगा। और इससे हाइट हमारा कितना रहेगा पाइप, IL कितना है 2510 माइनस हमारा पाइप का BOP कितना है 2517 माइनस 7, जो हमारा नीचे बेस रहेगा, बेस से हमारा सिर्फ 7 mm हाइट पे पाइप रहेगा, जो हमारा नीचे मेन होल का बेस रहेगा ना उससे नीचे हमारा 7 सेंटी ऊपर होके, जैसे कि अब वो फिनिशिंग करने के लिए, फिनिशिंग होने के बाद उसी के ऊपर हमारा पाइप रहेगा। और इसी तरह हमारा यहाँ पे स्लोप में पाइप आएगा। तो इसका IL यही है, जो आपका ये कवर लेवल दिया है वहाँ से IL माइनस कर लेना है और वहाँ से पाइप का BOP माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे जो हमारा IL है वहाँ से BOP माइनस करेंगे, तो आपको अगर आपका ये कभी कभी क्या होता है, तो मेन होल हमारा बना नहीं रहता है, नीचे स्क्रीट सिर्फ हुआ रहता है, मेन होल बना नहीं रहता है, तो कवर लेवल क्या है नहीं है हम लोग को मालूम नहीं होता है। तो सर्वेयर आपको पॉइंट देगा, वो पॉइंट से माइनस कर लेना है IL कितना है हमारा ड्राइंग में, वो करेक्ट मिल जाएगा आपको। जो IL दिया है वो IL निकाल लेने का और वहाँ से जो BOP दिया है BOP माइनस कर देने का, उतना माइनस करेंगे तो आपको कितना mm हाइट है वहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपको। यही तरीका है इसको IL, सेम यहाँ पर भी देखो कवर लेवल वहाँ से IL माइनस करो, तो आपका ये हमारा गली ट्रैप मेन होल है, ये मेन होल गली ट्रैप मेन होल का आपका बेस लेवल मिलेगा, वहाँ से पाइप का BOP दिया होगा, पाइप का BOP है वेस्ट पाइप हमारा 200 का 2529, फिर वहाँ से ये माइनस करिए हमारा BOP, तो आपको मिल जाएगा। सेम यही है, IL मतलब नीचे का तरफ नापना है, तो इसी तरह रहता है। और इसको मैं
एक वीडियो लंबा हो जाएगा। अब टॉयलेट का अंदर का भी और ये हमारा आईएल का भी सब का एक ही में मैं एक बनाऊंगा, तो आप लोग को उसमें और पूरा अच्छा से उसमें भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे नैप करना है टॉयलेट का अंदर का। ये तो बाहर का हमारा हो गया, ये हमारा गिल्स इंटरसेप्टर मेन होल, ये हमारा गिली ट्रैप मेन होल, ब्लेस कर लेना है तो आपको बराबर मिल जाएगा ये मेन होल का बेस। और वहाँ से अगर बीओपी दिया है तो ये बीओपी माइनस कर लेना है, जो पाइप का हमारा बीओपी रहेगा बॉटम ऑफ पाइप जो बेस रहेगा वहाँ से बीओपी कितना रहेगा उस तरफ से माइनस कर लेना है, आपको बराबर मिलेगा। चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।